और 12वीं में हिंदी विषय में जब पढ़ते हैं तो उसमें एक पुस्तक चलती है जो है अभिव्यक्ति एवं रचनात्मक लेखन, ठीक है। और उसमें जब आप पढ़ेंगे तो उसमें जनसंचार संबंधी बहुत से प्रश्न आते हैं और इस तरह से बहुत से ऐसी चीज़ें आएंगी उसमें जो आपके लिए नई होंगी, ठीक है, नए शब्द आएंगे। तो उसी क्रम में जो है एक ये है सिस्टम, क्या न्यूज़पेपर का भी आता है, तो न्यूज़पेपर को जब आप जो है पढ़ना चाहेंगे, अगर न्यूज़पेपर को आपको जानना भी ज़रूरी है, ठीक है, न्यूज़पेपर आपको जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि न्यूज़पेपर में जो ये जो समाचार पत्र हैं इससे संबंधित ही प्रश्न आते हैं और आपके पाठ्यक्रम में तो ये शामिल है ही। तो आइए आज एक विज़िट करते हैं, सबसे पहले दैनिक जागरण का, ये मेरे सामने है, आप इसमें ध्यान दीजिए। सबसे ऊपर लिखा है राष्ट्रीय संस्करण, ठीक है। राष्ट्रीय संस्करण का मतलब है कि ये राष्ट्रीय स्तर का जो है ये समाचार पत्र है, ठीक है। अगर ये किसी जनपद से निकलता तो ये स्थानीय संस्करण कहलाता, यानी किसी विशेष जगह से, देश के अन्य किसी भाग से निकलता है तो उसको स्थानीय संस्करण कहते हैं, ठीक है। तब यहाँ पे भी आपको दो प्रश्न बन गए जिनके उत्तर आप लिख सकते हैं कि राष्ट्रीय संस्करण किसे कहते हैं। जो समाचार पत्र राष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित होता है उस अंग को, उसे हम राष्ट्रीय संस्करण कहते हैं, जैसा कि यहाँ पर है दैनिक जागरण जो कि नई दिल्ली से प्रकाशित हुआ है और ऊपर लिखा भी है राष्ट्रीय संस्करण, ठीक है। और इसके बाद जो है जो किसी जनपद से या किसी विशेष शहर से या किसी विशेष जगह से निकलता है उसको स्थानीय संस्करण कहते हैं, ठीक है। इसी क्रम में आप देखिए कभी कभी ये पूछ लेता है कि जो पहली खबर है आपकी वो किससे संबंधित होती है समाचार पत्र में, ठीक है। कभी कभी ये पूछ लेगा कि समाचार पत्र में जो पहली खबर छपती है वो कैसी होती है, तो आपको ये याद होना चाहिए और आपको ध्यान देना है यहाँ पे कि जो पहली खबर होती है वो किसी देश की जनता से जुड़ी हुई, किसी देश की जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम है उससे जुड़ी हुई, या किसी या देश के महत्वपूर्ण जो बदलाव हैं, कोई नई सूचना है उससे संबंधित जो खबर होती है वो सबसे पहले पृष्ठ पर छपी होती है। और पहले पृष्ठ पर इसमें देखिए लॉकडाउन चल रहा है तो इसमें लिखा हुआ है छूट के बाद खुलने लगी गली मोहल्ले की दुकानें, तो ये सीधा जनता से संवाद करती हुई ये पंक्तियाँ हैं और ये समाचार पत्र का शीर्षक है, ठीक है। अभी मुख्य रूप से इसमें जो मेरा बताने का उद्देश्य है आपको सिर्फ ये है कि आप समाचार पत्र का अवलोकन करें और एक छात्र के रूप में, एक विद्यार्थी के रूप में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी ज़रूरी होती हैं उन चीज़ों पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, हम आगे इसमें देखेंगे आप, तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते चलेंगे। अभी आप देखिए ये दिया हुआ है, ये भी राष्ट्रीय स्तर का ही है, काफ़ी तेज़ गति से जो है ये बढ़ गया है। मैं इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ तो आपको इधर देखने में आसानी रहेगी, ठीक है। तो ये पेज संख्या 4 है और इसके बाद जो है ये, आइए देखिए हम शुरू से देख लेते हैं एक बार ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो कि सर कहाँ डायरेक्ट पहुँच गए थे, ठीक। तो ये हमारे पहला पृष्ठ था, इसके बाद हम दूसरे पृष्ठ पर चल रहे हैं, ठीक है। और दूसरे पृष्ठ पर देखिए नेशनल कैपिटल मतलब दिल्ली की जो आसपास की जो घटनाक्रम है, दिल्ली के जो है उससे संबंधित यहाँ पे खबर है, चूँकि दिल्ली से ये प्रकाशित हुआ है, हालांकि है ये राष्ट्रीय संस्करण लेकिन दिल्ली से प्रकाशित हुआ है तो दिल्ली की जो खबरें हैं वो इसमें दी हुई हैं, ठीक है। और प्यारे बच्चों जब आप पढ़ें इसको तो बड़े ध्यान से आपको पढ़ना है, लेकिन जो सबसे मुख्य बात है आपकी वो वहाँ उस पृष्ठ पर मैं आपको ले जाना चाह रहा हूँ, ठीक है, कि जो आपके परीक्षाओं में आता भी है ये, ठीक है। और वो पृष्ठ बहुत महत्वपूर्ण होता है और वो होता है देखिए ये इसके बाद क्रम चलता आ रहा है, ठीक है, ये है देखिए ये पृष्ठ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पृष्ठ को यदि आप पढ़ें और समझ लें तो निश्चित रूप से आप हिंदी भाषा में अच्छी जानकारी पा सकते हैं, साथ ही साथ हिंदी भाषा के लिखने और बोलने में आपकी जो क्षमता है उसमें अवश्य वृद्धि होगी। क्या
क्योंकि ऐसी शब्दावली का इसमें प्रयोग होता है, ऐसी विचारधारा और ऐसे बुद्धिजीवी वर्ग इसमें लिखता है कि जिसको पढ़ने के बाद निश्चित रूप से आपको इसमें सहयोग मिलना ही मिलना है। ठीक है, तो अब आप इसमें देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये यहाँ पर है इस साइड में, ये देखिए लिखा है कांग्रेस की सलाह। ठीक है, तो एक अधिकांशतः का कक्षा 11वीं में भी बच्चों के दिमाग में रहता है और 12वीं में भी ये रहता है कि सर संपादकीय क्या है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों जो ये कांग्रेस की सलाह लिखा हुआ है और इसके नीचे जो पूरा है, ये देखिए, ये पंचायतों को ताकत, यहाँ तक ये संपादकीय है, और दूसरा जो पंचायतों को ताकत है ये भी क्या है, ये भी संपादकीय है। ठीक है ना, यानी दो संपादकीय हैं यहाँ पे। ठीक, अब बात ये आती है यहाँ पर कि ये संपादकीय क्यों है। ठीक है, और ये प्रत्येक समाचार पत्र में होता है। ठीक है, कि ये संपादकीय क्यों है, इसकी पहचान हम कैसे करें। तो संपादकीय की विशेषता ये होती है कि जो संपादकीय होता है उसमें किसी का नाम नहीं लिखा होता है, किसी लेखक का नाम नहीं। देखिए इसमें कांग्रेस की सलाह लिखा है और इसको आप नीचे आके देखिए, इसमें किसी का नाम नहीं लिखा हुआ है। और ठीक इसी तरह से पंचायतों को ताकत, ठीक, इसमें भी नाम नहीं लिखा हुआ है, अर्थात किसी भी लेखक का नाम इसमें जिसमें नहीं लिखा रहता है वो संपादकीय होता है। पहली विशेषता ये है। ठीक, दूसरी विशेषता क्या है, दूसरी विशेषता ये है कि संपादकीय में, अब ये बताइए कि नाम क्यों नहीं लिखा होता है, ये भी एक प्रश्न होता है। नाम इसलिए नहीं लिखा होता है क्योंकि संपादकीय जो होता है उसमें जो चीज़ें लिखी जाती हैं वो समाचार पत्र की विचारधारा होती है, किसी विशेष व्यक्ति की नहीं होती है। ठीक है, अर्थात संपादकीय जो है वह समाचार पत्र की विचारधारा का प्रतिनिधित्व करता है, किसी विशेष व्यक्ति का नहीं करता है, इसलिए उसे संपादकीय कहते हैं। ठीक, बात समझ आ गई। यानी संपादकीय पेपर में आप कैसे पहचानेंगे, इस पृष्ठ पे आएंगे, इसको संपादकीय पृष्ठ कहते भी हैं। ठीक है, और ये अधिकांशतः बाईं तरफ होता है, और आप इसमें कहीं चले आइए, इसमें जब आप देखेंगे तो ये जो है संपादकीय, ये कांग्रेस की सलाह और उसके बाद ये पंचायतों को ताकत, ये संपादकीय। अब आप, मैं दूसरी तरफ आता हूँ। ठीक है, दूसरी तरफ आ जाइए, यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है कोरोना के साय में। ठीक, कोरोना के साय में कारोबार, ठीक, ये लिखा है संजय गुप्त। ठीक, अब आपके ही इसमें जो आपकी जनसंचार संबंधी जो पाठ्यक्रम है आपका, उसी में है कि आलेख क्या है। ठीक है, तो बच्चों यही आलेख है जो आप यहाँ देख रहे हैं, ये यही आलेख है। ये अब इसमें आलेख की विशेषता क्या, देखिए आलेख में देखिए नाम लिखा है संजय गुप्त, और इसमें कुछ मुख्य बिंदु भी पहले दे दिए हैं। कारखानों को फिर से बता चलाने के लिए कामगार चाहिए और वे या तो अपने गांव चले गए हैं या फिर बीच राह ठहरे हुए हैं। ये भी कोई राष्ट्रीय समस्या है, कोई राजनीतिक समस्या है, कोई सामाजिक समस्या है, या कोई विचार है अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर का जो जनता से ताल्लुक रखता है। तो ऐसे जो विश्वविद्यालय के लेखक होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, उनके विचार यहाँ पर लिखे जाते हैं। कोई राजनीतिक है व्यक्ति है, वो भी अपने विचार यहाँ दे सकता है। तो यानी विभिन्न विषयों पर, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक राजनीतिक शैक्षिक और खेल कूद से संबंधित कोई भी जो चिंतन और मंथन का विषय है वो आलेख में समाहित होता है। लेकिन यहाँ पर आप कैसे पहचानेंगे कि आलेख जो है कोरोना के साय में कारोबार लिखा है, तो इसमें नाम लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, आप देखिए इसकी जो भाषा है, आप यहाँ देखिए लिखा है कोरोना के कहर से बचने के लिए लगाए गए लॉकडाउन का 1 माह पूरा होने के साथ ही केंद्र सरकार ने प्रतिबंधों में ढील देनी शुरू कर दी है। इसी क्रम में गत दिवस शॉपिंग मॉल्स, बाजार, मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स को छोड़कर अन्य दुकानों को खोलने की इजाज़त दी गई। तो इस तरह से इन्होंने कोरोना के बाद के जो घटनाक्रम है और कोरोना के समय जो लॉकडाउन चल रहा है उसके बाद कैसे कैसे इन्होंने अपनी बातें, अपनी विचारधारा यहाँ पर लिखी हैं। संजय गुप्ता हालांकि दैनिक जागरण से जुड़े हुए हैं, ठीक है, संपादक भी रहे हैं, लेकिन किसी का भी लेख यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, इस तरह से अब दूसरा देखिए, ये भी आलेख है, देशभक्ति का एहसास जगाने की ज़रूरत है। ठीक है, अब ये भी इसमें नाम देखिए लिखा है डॉक्टर दीपक टेमो। ठीक, तो आलेख में क्या होता है, आलेख में लेखक का नाम लिखा होता है और किसी
विषय पर, राष्ट्रीय विषय पर, अंतर्राष्ट्रीय विषय पर, सामाजिक विषय पर, शैक्षिक विषय पर, राजनीतिक विषय पर, या वैज्ञानिक विषय पर, या आर्थिक विषय पर, या खेलकूद के विषय पर जो लेखक है वो अपने विचार व्यक्त करता है। दूसरी बात ये हो गई। तीसरी बात ये है कि इसकी जो भाषा है वो मानक भाषा होती है, सही भाषा का इसमें प्रयोग किया जाता है, परिमार्जित भाषा का इसमें प्रयोग किया जाता है, और उसी विशेष विषय से संबंधित ही बातें इसमें लिखी जाती हैं। ठीक है, तो ये हो गया आलेख आपका। ठीक, अब इसके बाद आ जाइए आप, जो है देखिए यहाँ पर है, गायब होते तारों की उलझी गुत्थी। ठीक, ये भी क्या है, देखिए इसमें लिखा है नीचे, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा, लिखा है लेखक विज्ञान के जानकार है, इसमें नीचे देखिए, यानी वैज्ञानिक हैं ये, और वैज्ञानिक विज्ञान के क्षेत्र में काम कर रहे होंगे, उन्होंने भी अपना लेख यहाँ लिखा है कि गायब होते तारों की उलझी गुत्थी। तो ये भी यही आलेख है। ठीक है, गायब होते तारों की उलझी गुत्थी मुकुल व्यास द्वारा लिखा गया है। ठीक है, अब इसके बाद जो है देखिए ये व्यंग है। ठीक है, इसमें कितनी चीजें आपको इसी में से मिलती जा रही हैं। अब हास्य व्यंग आपको लिखना है, ठीक है, तो आप इसमें से देख सकते हैं हाँ, कि कैसे कोई जो समस्या है, जो आधुनिक समस्या है, किसी तरह की समस्या, उसको कितने बड़े सरल सहज भाषा में इसमें दर्शाया है, और भाषा शैली कैसी है इसकी। ठीक है, इस देखिए छोटी छोटी बातें इसमें, ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं। अब इसके बाद आ जाइए। ठीक, अब यहाँ भी देखिए ये चल रहा है। ठीक है, रचना कर्म। ठीक है, ये अब आप देखिए यहाँ पर क्या है, ये भग्न माटी, ये है भग्न मग्न माटी, प्रतिमा राय द्वारा लिखी, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित है ये पुस्तक, जो हिंदी साहित्य का सर्वोच्च साहित्य का सर्वोच्च सम्मान होता है, भारत सरकार द्वारा देता है, वो ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित है। और आप देखिए, आपको इसके पहले के उसमें समीक्षा आती थी, पुस्तक समीक्षा। ठीक है, अभी नहीं आ रही है, लेकिन हो सकता है अगर सीबीएसई बदलाव करता है समीक्षा आती, तो आप इसमें देख सकते हैं इस पुस्तक की समीक्षा दी हुई है। अधिकांशतः बच्चे पूछते हैं कि जो है सर समीक्षा कैसे लिखें, तो आप देखिए इसमें समीक्षाएं लिखी हुई हैं। इसको आप शॉर्ट में लिखना है, इतना बड़ा नहीं लिखना है, लेकिन आपको मेन पॉइंट्स, जैसे देखिए इसमें लिखा है, स्त्री पात्रों में गिरिमा का चरित्र सर्वाधिक आकर्षित करता है, जिसकी चेतना उसके समाज की लड़कियों के मुकाबले न केवल अधिक परिपक्व और प्रगतिशील है। कहने का तात्पर्य है कि पुस्तक को पढ़ने के पश्चात उसमें क्या कमियाँ हैं, क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या गुण है, क्या दोष है, पात्रों का चरित्र चित्रण कैसे हुआ, ये सब चीज़ें इसमें संकलित करना है, ये आपको लिखना है। और ये पुस्तक है कोई भारती की जापान यात्रा, और ये भी उस पुस्तक की समीक्षा यहाँ पर है, सॉरी ये जो है यात्रा वृत्तांत नहीं है प्यारे बच्चों, ये क्या है, ये पुस्तक की समीक्षा है, एक भारतीय की जापान यात्रा। ठीक, अब इसके बाद देखिए यहाँ पर भी, लॉकडाउन से निकलने की शुरू हो तैयारी। अब एक ये है देखिए, आशीष व्यास संपादक नई दुनिया के, उन्होंने अपने उसमें लिखा होगा, तो उनका लेख भी यहाँ पे छपा हुआ है डायरी के रूप में। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है ये चीज़ें समझ सकते हैं। अब मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे, देखिए ये होता है कभी कभी प्रश्न आते हैं, आ भी चुका है ये तो, कि जो आर्थिक शब्दावली के चार पांच शब्द लिखे हैं। ठीक है, अब आर्थिक शब्दावली की, अब इसमें लिखा है कच्चा तेल हुआ पानी, ये आर्थिक शब्दावली, कच्चा तेल पानी कैसे हो सकता है, लेकिन पानी का मतलब है सस्ता हो गया, मगर ग्राहकों के लिए बेईमानी, लेकिन ग्राहक चूंकि इस समय लॉकडाउन के कारण कोई गाड़ी चला नहीं सकते हैं तो बेकार ही है, तो ये बेईमानी और पानी ये जो है शब्दावली हो गई एक तरह से, जो इस तरह से लिखी जाती है। ठीक है, इसके बाद और अगर आप देखेंगे इसमें तो और भी शब्दावली होती है इसमें, है ना, तो वो आप देख लेंगे। तो हर मतलब हर प्रतिदिन का जो समाचार पत्र है उसका अलग अलग सिस्टम होता है, और अलग अलग उसमें भाषाएं लिखी होती हैं। ये हैं लेख लिख रहे हैं, ये हमेशा लिखते रहे हैं, ये बहुत प्रसिद्ध हैं, धीरेंद्र कुमार CEO वैल्यू रिसर्च। हाँ, ये बहुत पुराने, मैं काफ़ी दिनों से इनको पढ़ता आ रहा हूँ। ये आर्थिक जो संचालन होता है, आर्थिक जो गतिविधि होती है, चाहे म्यूचुअल फंड के बारे में हो, चाहे बचत के बारे में हो, विभिन्न चीज़ों पर अपनी राय व्यक्त करते रहे हैं, और इस तरह से काफ़ी प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। देखिए, मंगलमय जीवन यात्रा के लिए रेलम पेल को गुड बाय, कहने का तात्पर्य यह है कि अब जो है जब जिंदगी पैर लौटेगी, सामान्य होगी, तो जिस तरह से लोग लद के जा रहे हैं, कुछ सरकार जो नियमों में बदलाव लाई है,
उसके हिसाब से ये चीज़ें लाई गई हैं। मैं आपको यहाँ पर सिर्फ ये बताना चाहता हूँ बच्चों कि एक शब्द आता है बीट, ठीक है। बीट का मतलब होता है एरिया, बीट का मतलब होता है क्षेत्र, एक निश्चित क्षेत्र, एक एरिया, ठीक है। यानी कि जैसे राजनीति का क्षेत्र है, ठीक है, अपराध का क्षेत्र है, तो कुछ ऐसे पत्रकार होते हैं जो राजनीति खबरें इकट्ठा करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो अपराध की जगत की खबरें इकट्ठा करते हैं, कुछ ऐसे जो फिल्मी जगत की खबरें इकट्ठा करते हैं। तो पत्रकारिता में पत्रकार समाचारों के संकलन के क्षेत्र को बीट कहते हैं, ठीक है। यानी विभिन्न समाचार संकलन के विभिन्न क्षेत्रों को जो विभाजित क्षेत्र हैं वो बीट, बीट मतलब एक निश्चित एरिया, एक निश्चित क्षेत्र, एक ये हो गया। दूसरी बात क्या है कि विशेष पत्रकारिता आता है, ठीक है। विशेष पत्रकारिता का मतलब ये है कि कोई खेल कूद की पत्रकारिता करता है, कोई राजनीतिक खबरों को संकलित करता है, राजनीति पर अपने समाचार संकलित करता है। तो इस तरह से जो विभिन्न कुछ फिल्म जगत के, कुछ फैशन जगत के, है ना, तो जो अलग अलग ढंग से लोग अलग अलग ढंग से अपने अपने जो है इसको खबरें जो संकलित करते हैं उन सभी को जो है कहा गया है जैसे, ठीक है। तो इसी तरह से ये सब चीज़ें हैं। जैसे देखिए इसमें इन्होंने लिखा है कि अमिताभ बच्चन जी के बारे में निकाला है, तो ये जो 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 व्यक्ति फिल्म जगत की खबरें इकट्ठा करता होगा उसी ने ये चीज़ें इसमें निकाली हुई हैं, ठीक है। लेकिन और जो स्पोर्ट्स से संबंधित खबरें देता होगा वो स्पोर्ट्स का है, ठीक। तो ये स्पोर्ट्स ये भी है, ये बीट भी है। बीट का मतलब समाचार पत्र समाचारों को संकलन करने का एक निश्चित क्षेत्र, और विशेष पत्रकारिता के अंतर्गत, खेलकूद पत्रकारिता के अंतर्गत किसे कहते हैं, तो आप देखते हैं जिसमें खेलकूद से संबंधित खबरें इकट्ठी की जाती हैं, ठीक है। अब इसी तरह को ये चीज़ें हैं, अब इसको आप समझ सकते हैं। मेरे ख्याल से इतना चीज़ें बहुत है आपके लिए, ठीक, ये सब चीज़ें दी गई हैं। तो ये सब जानकारियाँ आपके लिए इसलिए दे रहा हूँ कि जब आप पढ़ें तो प्यारे बच्चों विशेष रूप से आप इसको पढ़िए, और जो छोटे छोटे समाचार हैं उसको आप पढ़ सकते हैं। उससे आपको क्या होगा कि एक जानकारी हो जाएगी कैसे समाचार लिखे जाते हैं। और इसके लिए ना आप यहीं शुरू के ही एक दो समाचार पढ़ लीजिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपको ये, अब नियम तोड़ने पर महिला हेड कांस्टेबल पर मामला दर्ज, चलिए हम इसी को पढ़ लेते हैं, ठीक। आप देखिए इसमें मान लीजिए कि कोई महिला हेड कांस्टेबल होगी जिसने कोई नियम तोड़ा होगा, अब उस घटना को समाचार में कैसे, अब देखिए तीन तीन क्रम होते हैं, घटना फिर रिपोर्ट और उसके बाद समाचार, ठीक है। यानी घटना हुई फिर उसकी रिपोर्टिंग की गई, रिपोर्टर रिपोर्टिंग की संकलित किया, उसको एक साथ किया, कच्चा मतलब एक समाचार का कच्चा रूप बनाया, फिर उसको ले जा करके वो समाचार पत्र में प्रकाशित होता है। तो कैसे समाचार इसमें लिखा गया है, उसी घटना को कैसे कहा गया है, ये लिखिए। देखिए इसमें होम क्वारंटाइन के नियम तोड़ने के आरोप में बाहरी दिल्ली के पश्चिम बिहार वेस्ट इलाके में पुलिस की महिला हेड कांस्टेबल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार हेड कांस्टेबल को 14 दिन के लिए होम क्वारंटीन किया गया है। जब गूगल लोकेशन में उसकी जांच की गई तो महिला हेड कांस्टेबल अपने घर से गायब मिली। उनकी लोकेशन गुरुग्राम के एक गाँव की मिली। जाँच के बाद महिला हेड कांस्टेबल के खिलाफ सरकारी आदेश के उल्लंघन समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। बाहरी जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने बताया कि महिला हेड कांस्टेबल परिवार के साथ एकता विहार पीरागढ़ी इलाके में रहती है। वो बाहरी जिले के पश्चिम बिहार वेस्ट थाने में तैनात है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के आदेश पर उन्हें 11 अप्रैल को होम क्वारंटाइन किया गया था। 16 व 18 अप्रैल को गूगल लोकेशन से हेड कांस्टेबल की लोकेशन जांच में वो अपने घर से गायब मिली। तो ये समाचार देखिए कैसे समाचार लिखा गया, ठीक। इसमें देखिए घबराने की बात नहीं होती है, हर कार्य इंसान ही करता है। आप बच्चे हैं अभी 11वीं और 12वीं में हैं, तो आप इसके बाद जब अपने अंदर विश्वास रखेंगे, उसको बार बार पढ़ेंगे समझेंगे, तो किसी घटना को लिख पाएंगे आप, ठीक है। आप छोटी मोटी घटनाएं लिखिए कि जैसे मान लीजिए कहीं कोई खबर आपको देनी है तो आप खबर कैसे लिखें, कोई घटनाक्रम हो गया है, ठीक है, गंदगी है मान लीजिए आपको, तो आप लिख सकते हैं जैसे शिकायती पत्र लिखते हैं तो इसमें समाचार बनाइए उसका कि जो है कूड़े का लगा ढेर, या कूड़े से जीवन का खतरा, गंदगी से जीवन का खतरा, ठीक है, या गंदगी में रहने को लोग मजबूर, इस तरह शीर्षक भी आकर्षक होना चाहिए आपको। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये चीज़ें थी, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझेंगे और इसको समझेंगे। और निश्चित रूप से सबसे पहले मेरी आपसे निर्देश है, रिक्वेस्ट है कि आप समाचार पत्र जरूर पढ़ें। जब तक आप समाचार पत्र को नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको भाषा में पूरी पकड़ नहीं हो पाएगी। इसलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप वीडियो को देखा आप लोगों ने,
लाइक करिए, कमेंट करिए और इसको समझिए, अपने जीवन को सुधारिए, अच्छा बनिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।